चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। हमारी 10th क्लास की मैथ है। पहला चैप्टर चल रहा है वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स, और 1.4 हमारी एक्सरसाइज चल रही है। और हमारा क्वेश्चन कौन सा है? हमारा क्वेश्चन जो है वो दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें कह रहे हैं ऊपर दिए गए जो प्रश्न हैं उस पर क्या करना है, उन पर में संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखना है जो शांत हैं। तो जो शांत वाले हैं उनको इनको लेना है। तो शांत पहला हमारा क्या है, पहला जो था वो हमारा है 13/5, ठीक है, 5/5। तो इसको लिखा है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब हम क्या करेंगे, 13/5 है तो इसको हमें 10 में कन्वर्ट करना है। नीचे जो है 10,000, 1,000, 10,000, इस तरीके से हमें नीचे वाला जो हर वाला है उसको कन्वर्ट करना है। 5 तो है हमारे पास, पर 2 मतलब कि 2 नहीं है, 2 होगा तभी तो 10 होगा। तो 13 की जगह पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से 2, यहाँ पे 3 है तो 2 की 3 से गुणा करेंगे। नीचे गुणा किया है तो ऊपर भी गुणा करेंगे, ठीक है, नीचे गुणा किया है तो ऊपर भी गुणा करेंगे, इस तरीके से ये हम करेंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमने जो किया है यहाँ पे 5/5 है, सॉरी मैंने 3 कर दिया है, 5/5 है, और तो यहाँ भी 2/5 आएगा। अब हम इसको ओपन करते हैं तो ये हमारा होगा 2 × 4 × 8 × 16 × 32, ठीक है। तो हमारा ये कितना हुआ जाके, ये जो हुआ जाके हमारा 32 हुआ जाके, कितना हुआ जाके 32 हुआ जाके। और नीचे कितना हो जाएगा, 2/5 × 2/5, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 32 को 13 से गुणा करेंगे तो 13 × 26 और 13 × 3 39, 39 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40 और 41 होगा, और बटे में क्या हो जाएगा, 10/5, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 416/5, 5 0 हो जाएंगे। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ से 0 जब हटाएंगे तो ऊपर दशमलव लगेगा ना, तो 5 0 है तो 5 अंक के बाद दशमलव लगना चाहिए, 5 अंक के पहले दशमलव लगना चाहिए, पर यहाँ पे तो 3 अंक है तो हम 2 0 जो है अपने मन से बढ़ा लेंगे। ये 0 तो लिखा ही जाता है दशमलव से के पहले, तो 2 0 जो हैं हमने बढ़ा लिए। और अब हम क्या लिखेंगे, 416, तो यही हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है 17/8, क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन, 17/8। अब 17/8 है तो मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 17/2/3, ठीक है, ये लिख सकते हैं ना। फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 17/2/3। अब हमें 5 चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, 5 चाहिए होगा 10 बनाने के लिए नीचे, तो हम क्या करेंगे, 5/3 से, यहाँ पे 3 थी तो यहाँ पे भी 3 लगाएंगे, यहाँ पे 3 लगाएंगे, नीचे 5/3 से गुणा किया तो ऊपर भी 5/3 से गुणा करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 17/5/5/5, मतलब 5×5=125, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 125 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5 और 2 की गुणा होगी, ठीक है, और पावर में क्या लग जाएगा, 3 लग जाएगा, 2×5³, ठीक है, और 17 × 125 की गुणा क्या होगी, 2125, क्या होगी इसकी गुणा, 2125 इसकी गुणा होगी, बटे में क्या आ जाएगा, 10^3, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 2125/1000, ठीक है। अब हम आंसर में क्या लिख सकते हैं, आंसर में हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव 3 अंक के पहले लगेगा, तो 3 अंक के पहले लगेगा मतलब 2125 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2.125 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है 15 बटे 1600, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है 64 बटे 455, 64 बटे 455 ये है हमारा क्वेश्चन। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो कहिए हमारा जो 455 है, ये वाले और ये वाले हमारे शांत थे क्योंकि इनकी पावर पे 5 आ रहा था, ये भी हमारा शांत था तो शांत वाले ही हमको करने हैं, ये भी हमारा शांत था। अब आप कहोगे शांत कैसे पता चला, तो इसकी मैंने एक वीडियो बनाई है अलग से, पूरा प्रॉपर तरीके से अच्छे से समझाया है मैंने कैसे ये शांत होगा कैसे शांत होगा। तो 5 की पावर 5 है तो 5 वाला भी शांत होता है, 2 की पावर वाला भी शांत होता है, बस ये 455 है। 455 का जो हम लासा लेते हैं यहीं पे लेके देखते हैं, 455 का हम जब लासा लेंगे तो 5 से कटेगा, 5 * 45 5 * 1 = 5। अब यहाँ पे 17 भी आ गया, 13 * 7 = 91, 13 भी आ गया और 7 भी आ गया जो कि नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा अशांत हो गया। हम इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, तो हमारा क्या 5 * 13 * 7 आया है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा है सिर्फ शांत वाले ही करना है। तो 64 बटे 455 था तो हमारा क्या आया था 5 * 13 * 7 ये आया था, तो हम लिख देंगे ये हमारा अशांत है तो इसको हमें सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व नहीं करना है। अब हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा है क्या है, 15 बटे 1600, ठीक है, 15 बटे 1600 हमारा चौथा क्वेश्चन है। तो 15 बटे 1600 में हम क्या करेंगे, 1600 का हम लासा निकाल के देखेंगे, ठीक है। 1600 का लासा जब हम निकालते हैं तो हमको क्या पता चलता है, ये हमारा 2 * 8 = 16 और 2 * 8 = 0 और 2 * 4 = 0 और 2 * 1 = 0 फिर हम 5 से करेंगे, 5 * 10 = 0 5 * 20 और 2 * 4 = 2 इस तरीके से हमारा आप देख सकते हैं पूरा, आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं पूरा, मैं आपको पूरा दिखा भी दूंगी, ठीक है, आप पूरा देख लीजिए और मैं फिर बाकी फिर से कैमरा अपना वैसा कर लेती हूँ। तो हमारे में इसमें क्या क्या आया है, इसमें जो आया है वो आया है 15 बटे, कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 6 बार 2 हैं, 2 * 2 * 2 * 2 ठीक है, 2 * 3 = 4 / 5 और 2 5 कितनी बार है, 2 बार है, 5 कितनी बार है, 2 बार है, इस तरीके से ये हमारा आया है, ठीक है। और अपना लासा जो है उसको हटा देते हैं, इतना आया है, तो इसका मतलब हमारा क्या है, ये कि इसका मतलब है 15 बटे 2 की घात कितनी है, 1 2 3 4 5 6 2 की घात 6 और 5 * 2 ठीक है, इतना तो हमारे पास हो गया। अब हमको क्या चाहिए, 5 की घात जो है वो बराबर में चाहिए, पर यहाँ पे 2 है तो मतलब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 5 की घात 4 और चाहिए, तभी तो 4 और 2 जुड़ के 6 हो पाएगा ना, 6 चाहिए ना हमको, नीचे 5 की घात 4 से गुणा किया है तो ऊपर भी 5 की घात 4 से ही हम गुणा करेंगे, ठीक है, इस तरीके से हमने ये गुणा कर दी। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 गुणे तो 5 * 5 * 5 * 5 25 25 * 125 25 * 125 625 625 ठीक है, ये आ जाएगा। और बटे में क्या हो जाएगा, 2 * 5 की घात 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। अब हम इसको हटा देते हैं, तो अब हम इसको इसकी गुणा हमारी क्या आएगी, इसकी गुणा जो है वो हमारी क्या आएगी, आप बता सकता है कोई, जल्दी से कमेंट करिए। हाँ नहीं नहीं ये तो नहीं होगा, ठीक है ठीक, हाँ ठीक है हाँ, तो आप लोगों ने बताया है कि ये होगा, तो सही जो आंसर है वो है 9375,
सही आंसर है हमारा 9375 बटे 10^6। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको यहाँ पे आप आ जाएगा ना, इसको हम यहाँ पे कर दे रहे हैं 9375 बटे कितने जीरो लग जाएंगे, 6 जीरो लग जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और दशमलव हमारे कितने अंक के बाद पहले लगेगा, 6 अंक के पहले लगेगा, तो यहाँ पे 4 ही है, तो हम 2 जीरो जो हैं दशमलव के बाद में अपनी मर्जी से बढ़ा देंगे, और 9375 जो लिखा हुआ है यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको उम्मीद है क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम कौन से क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो 5वां हमारा क्वेश्चन क्या है, पहले इसको बोर्ड को बिगाड़ना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आपके रिस्पॉन्स भी अच्छे से आ रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। ठीक है, और आप लोग ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, और चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, जो लोग पहली बार देख रहे होंगे वो कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, तो इतना काम जो है आप लोग जल्दी खूब ज़्यादा सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाए तो मैं डिजिटल बोर्ड खरीद लूँ, तो मैं खुद सामने आके आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, और अब हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है, हमारा 5वां क्वेश्चन है 29/3, 4, 3। होमवर्क दे के आपको पता चल गया होगा 3, 4, 3 किसका होता है, तो आपको ये पता चल गया होगा 29/7^3 है, पर ये ना यहाँ पे 2 है ना यहाँ पे 5 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। आवर्ती होगा कि अनावर्ती होगा, ये हमारा अशांत, अनावर्ती होगा कि आवर्ती होगा, आवर्ती होगा, क्या हो जाएगा, आसान आवर्ती हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, ये तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, अब हम करते हैं अपना कौन सा क्वेश्चन, अब हम करते हैं अपना कौन सा क्वेश्चन करना है, अब हमको करना है 6ठा क्वेश्चन करना है। तो 6ठा हमारा क्वेश्चन क्या है, 6ठा जो क्वेश्चन है वो है 23/2^3×5/2, इस तरीके से ये करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 23/2^3 है और यहाँ पे 5/2 है, तो हमें घातें जो है बराबर करनी है, तो 2^3×5/2 ये तो लिख लिया, अब हम क्या इससे गुणा करेंगे, 5/1 से गुणा करेंगे या 5 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 23/5/2^5 कितनी हो जाएगी, 3, ये 5/1 और 2 मिलके हमारी 3 हो गई ना, तो ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 23/5 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 115 आएगा, क्या आएगा, 115 आएगा। अब ये हमारा कितना आ गया, 2/5/10 आ गया, और 10^3 जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 115/1000, क्या लिख सकते हैं, 115/1000। फिर हमारा दशमलव कितने अंक के पहले लगेगा, 3 अंक के पहले लगेगा, 3 अंक लिखे हुए हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0.115। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपने कौन से क्वेश्चन पे चलते हैं, अब हम अपने 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 7वां हमारा क्वेश्चन क्या है, 7वां जो क्वेश्चन है वो है 129/2^2, 5/7, 7/6। अब आप समझ गए होंगे अच्छे से हमें इसका क्या करना है, इन्होंने तो घात में लिख ही दिया है और साथ में 7 भी दे दिया है, जो 7 है जो हमारा नहीं होना चाहिए था, ठीक है, इन्होंने दे दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती हो जाएगा। इस तरीके से ये इसको हमें सॉल्व नहीं करना है क्योंकि ये शांत नहीं है, इसमें क्या था, 5 और 2 ही थे सिर्फ,
ठीक है, पाँच और दो के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। खाली भी दो हो सकता है, खाली पाँच भी हो सकता है, पाँच और दो हो सकता है, दो पाँच हो सकता है, लेकिन पाँच और दो के साथ कोई तीसरा नहीं हो सकता है या तीसरा कोई अकेला नहीं हो सकता है, ठीक है, वो हमारे शांत हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हम अपना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, आठवां क्वेश्चन। तो हमारा आठवां क्वेश्चन क्या है, आठवां जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, 6/15। अब 15 जो है इसमें क्या करना है, 6/15 है ये हमारा कट जाएगा, आप देख सकते हैं, 3×6 = 15, मतलब ये क्या आ गया, 2/5 आ गया, 2/5 आ गया, इसको हम 5 की घात 1 भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें 2/5 है तो हमें 2 से गुणा कर देंगे, 5 की घात 1 है ना, तो 2 की घात 1 भी चाहिए होगी, तो 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 2 की घात 1 कह लो या 2 कह लो, बात एक ही है। तो ऊपर हमारा 4 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 5 गुणे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब 4/10 हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, एक अंक के बाद 10, एक अंक के पहले दशमलव लगना है, तो 0.4 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, नहीं आ पाएगा तो करते भी नहीं हैं हम, ऊपर से बिगाड़ते हैं अब दो क्वेश्चन जो हैं वो बिगाड़ देते हैं, ठीक है। तो ऊपर जो हमारा कौन सा क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन है, नवा हमारा क्वेश्चन है, कौन से का, दूसरे का। तो नवा क्वेश्चन है हमारा, नवा हमारा क्वेश्चन क्या है, 35/50। अब आप देख सकते हैं ये कट जाएगा, चलो यहाँ पे अलग लिख के काटते हैं इसको, उसी में घिचपिच ना करते हैं, 5×7=35, 5×5=50, तो हमारा क्या आ गया, 7/10 आ गया, 7/10 तो है ही, अब इसमें कुछ करना ही नहीं है, 10 लाने के लिए तो हम ये सब ड्रामा कर रहे हैं, तो 10 तो हमें मिल ही गया है, तो हमारा एक अंक के पहले दशमलव लगना है, तो 0.7 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, अपने आप ही आंसर जो है आसानी से निकल आया। अब हमारा अगला क्या है, अगला जो दसवां है वो है 77/210, ठीक है, 77/210। अब 210 का हम क्या करते हैं, लासा निकाल के देखते हैं क्या आता है, 2 से किया 2 एकम 2 2 5 10, फिर 5 से किया 5 2 10 5 एकम 5, अब 3×7=21 करना पड़ेगा, 7×7 करना पड़ेगा, मतलब 3 और 7 जो है वो हमारे पास आ गए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 77/2×5×3×7, जो कि हमारा क्या है, अशांत आवर्ती है, क्या है, अशांत आवर्ती है, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है हमारा लग जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप आज का क्वेश्चन ये है, 2/15 ये हमारा शांत है कि अशांत है, ये शांत है या अशांत है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको अब क्या करना होगा, हमारी वीडियो जो है उसको लाइक करना होगा, फिर आपको क्या करना होगा, हमारी गुरु दक्षिणा देनी होगी, गुरु दक्षिणा में आपको जो YouTube पे वीडियो देख रहे हैं उनको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना होगा और शेयर करना होगा। अब सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन बना होता है, बेल आइकन को हिट करना होगा, ऑल वाला ऑप्शन लगाना होगा, और आपको क्या करना होगा, जो फेसबुक पे देख रहे हैं उनको हमारा पेज फॉलो करना होगा और लाइक करना होगा, ठीक है, और शेयर करना होगा, ठीक है, ये हमारी गुरु दक्षिणा है आपको। और आप लोग जस्ट जो हैं सब्सक्राइब तो कर लेते हैं पर शेयर बहुत कम करते हैं, तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, मेन गुरु दक्षिणा जो है हमारी यही है, तो ये करना बिल्कुल ना भूलें, हमारी गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो भी सुन के ज़रूर जाना। तो भाई इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब हम यहाँ पे जोजस स्टडी सर्च करते हैं, जोजस स्टडी आ जाएगा, जब हम इसको सर्च करेंगे तो हमारा चैनल दिखेगा जिसको आपको टैप करना है, टैप करने के बाद कुछ ऑप्शन दिखेंगे, पहला होम होगा, दूसरा वीडियोज़ होगा, तीसरा प्लेलिस्ट होगा, चौथा कम्युनिटी, फिर चैनल, फिर अबाउट। तो हमें कौन से ऑप्शन पर जाना है, प्लेलिस्ट पे जाना है, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जब हम जाएंगे तब हम क्या इस पर टैप करेंगे,
टैप करने के बाद हमारी जो भी प्लेलिस्ट है वो खुल के आ जाएगी। अब हमारा ये जो एरो बना है, ठीक है, इस एरो पे हमें टैप करना है। टैप करने के बाद सारी वीडियोज़ आ जाएंगी। फिर इसके बाद लिखा होगा व्यू 30 मोर, फिर व्यू 30 मोर के पे टैप करना होगा। फिर हमारी जितनी भी प्लेलिस्ट बनी होगी वो सारी जो हैं वो हमारी प्लेलिस्ट जो हैं ओपन होके आ जाएंगी। ठीक है, आप उन्हें देख सकते हैं। फिर हम आपको कहाँ जाना है, जो भी आपको देखना है वीडियो, जिस भी क्लास की वीडियो देखनी है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फिर आपको जाना है चैनल पे। चैनल पे टैप करेंगे आप तो हमारे चैनल पे आ जाएंगे। तो चैनल पे आपको 3 चैनल दिखेंगे, जोजस किड्स मस्ती, जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी और जोजस क्राफ्ट। इन चैनल्स को भी आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, और बेल आइकन को हिट कर लेना है। फिर आप जब पहले जोजस किड्स मस्ती पे जाएंगे, इसमें आपको बच्चों को कैसे क्या सिखाया जाता है, बच्चों को कैसे क्या उन्हें सब सिखाया जाता है, वो सारी बातें आप इसमें देख सकते हैं। बच्चों की वीडियोस हैं, बच्चों के खेल खिलौने कैसे क्या खिलाना चाहिए, ये वीडियोस इसमें बनाई गई हैं। हमारा जो दूसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, इसमें सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी जो ज्वेलरी हैं वो अपने हाथों से बनाई गई हैं, जो कि मैंने बनाई हैं। सुंदर सुंदर ज्वेलरी जो हैं वो दिखाई गई हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी जो हैं वो बनाई गई हैं, मैंने खुद अपने हाथों से बनाई हैं। अगर आप क्रिएटिव बनना चाहते हैं और पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी करना चाहते हैं तो आप ये वीडियोज़ जो हैं आप देख सकते हैं, क्रिएटिव बन सकते हैं। ये सब सारी जो नथ वगैरह, कुंडल वगैरह जो हैं, इयररिंग्स जो सारे अपने हाथों से बनाए गए हैं, ठीक है। फिर हम अपने चलते हैं तीसरे चैनल पे। तो तीसरा चैनल है जोजस क्राफ्ट, उस पर टैप करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, उस पर हमें जो घर की बेकार चीज़ें जैसे कि टिशू पेपर हुए, शादी के कार्ड वगैरह हुए, उनसे आप घर के डेकोरेशन वाली यूजफुल चीज़ें जो हैं आप बना सकते हैं। इसमें ये सब आपको दिखाया गया है, ठीक है। अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं, क्रिएटिव बनना चाहते हैं, तो आप हमारी इन चैनल्स को भी क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। वो हमारी गुरु दक्षिणा देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं और तब तक के लिए बाय, ठीक है। तो चलिए हमारे चैनल को